आज हमारा टॉपिक है चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक इंजरी कंडीशन जिसमें चेस्ट के किसी भी भाग में, हार्ट में, लंग्स में, इनके ग्रेट वेसल्स में, रिब्स में, कहीं पर भी अगर कोई चोट लग जाती है तो दैट ऑल कम्स अंडर द टर्म ऑफ चेस्ट इंजरी। ओके, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ इंजरी टू द चेस्ट इंक्लूडिंग द रिब्स, हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, इसी के साथ साथ लंग्स से ऊपर ट्रेकिया या फिर डाइजेस्टिव में हम देखते हैं ईसोफेगस तक। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्योंकि चेस्ट में आती हैं, सो इफ़ एनी इंजरी हैपन्स टू एनी ऑफ दीज वन और मोर देन वन सेक्शंस तो हम उसे चेस्ट इंजरी कहते हैं। चेस्ट इंजरी को के जो रीजंस हैं या कॉजेस हैं उनको हम दो में डिवाइड कर रहे हैं। ब्लंट इंजरीज, ब्लंट इंजरीज का मतलब है कि कोई भी चीज़ स्किन को काटते हुए स्किन के अंदर एंटर नहीं की है बाहर से, कोई भी फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से देयर इज़ अ प्रेशर या फोर्स जिसकी वजह से एक इंजरी क्रिएट हुई है, दैट इज़ ब्लंट। ओके, जो शार्प नहीं होता। पेनिट्रेटिंग का मतलब है कोई भी शार्प इक्विपमेंट जो है या कोई भी शार्प सब्सटेंस जो है वो एक्सटर्नल एरिया से फोर्स के साथ चेस्ट कैविटी के अंदर इंसर्ट हुई है। ओके, सो ब्लंट इंजरी में हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स, मतलब रोड क्रॉस करते वक्त या चलते वक्त कोई भी गाड़ी आके अगर हिट कर देती है या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट तो उसे पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट कहेंगे। कहीं से फॉल हो जाते हैं, स्पोर्ट्स के दौरान कोई इंजरी हो जाती है, असॉल्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, उसमें किसी चीज़ के साथ मार देते हैं किसी को, पत्थर वगैरह, जो जिसमें कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना किया गया हो, ऐसे असॉल्ट्स ब्लंट में आते हैं। क्रश इंजरीज़ जो होते हैं या कहीं पर अगर एक्सप्लोशन हुआ है तो उस एक्सप्लोशन की फ़ोर्स की वजह से भी अगर कहीं जाके गिरे हैं किसी एक्सलरेशन के साथ तो वो सब ब्लंट इंजरीज़ में आता है। पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ में जैसे कुछ सब्सटेंसेस, नाइफ हो गए, गन शॉट्स हो गए, स्टिक से, एरो से, या कोई भी ऑक्यूपेशनल एरिया में किसी पर्टिकुलर मशीन या किसी के ऐसे थ्रू हुआ है जिसमें कोई चीज़ चेस्ट कैविटी को बाहर से पेनिट्रेट करके अंदर गई है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरी। टाइप्स में रिब्स का फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, इसके अलावा जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है जिसको हम हीमोथोरैक्स कहते हैं। फ्लेल चेस्ट वो होता है जहाँ पे रिब्स में कोई भी ब्रेकेज आ जाता है या फ्रैक्चर आ जाता है और रिब्स अपने रिबकेज से डिटैच हो जाते हैं और वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं चेस्ट कैविटी में, उसको हम फ्लेल चेस्ट कहते हैं। पल्मोनरी कंट्यूशन का मतलब है कि जो लंग का पैरेन्काइमा होता है या लंग का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ना या इंजरी होना। इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब है पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड के भर जाने की वजह से हार्ट पे जो प्रेशर पड़ता है अंदर की तरफ उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। तो इतने तरीके के चेस्ट इंजरीज, मतलब इनमें से किसी भी एरिया में इंजरी होने की वजह से इतने टाइप्स के इंजरीज़ हम देखते हैं पेशेंट्स में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइप के सिम्टम्स हम देखते हैं पेशेंट में। यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है कि रेस्पिरेटरी फेज़ में हम देखते हैं कि डिस्निया होगा, बहुत ज़्यादा स्टर्नस ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लंग एब्सेस हो, इन्फेक्शंस हो लंग्स में, साथ ही साथ जो सिक्रीशंस आते हैं लंग से वो बहुत फ्रोदी होंगे। ओके, इसके अलावा हम कार्डियोवैस्कुलर में देखेंगे कि हाइपोटेंशन कॉज होता है पेशेंट को, बहुत रैपिड हार्ट रेट होता है, साथ साथ हम देखते हैं कि चेस्ट पेन रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है लेस अमाउंट ऑफ ब्लड के पंपिंग की वजह से। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब चेस्ट मूवमेंट्स होते हैं तो बहुत एसिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट्स होते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब है कि कहीं जहाँ पे भी इंजरी है, बेसिकली जैसे रिब्स में फ्रैक्चर या फ्लेल चेस्ट वगैरह है, तो उस वजह से हम देखते हैं कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड बैलेंस में मूव नहीं करता चेस्ट का। ओके, दैट इज़ एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हम इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या कर सकते हैं। थॉरो हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट के रेडियोग्राफिक स्कैन्स कर सकते हैं जैसे एक्सरे, सीटी, एमआरआई। इसके अलावा ब्लड स्कैन्स किए जाते हैं जिसमें काउंट देखा जाता है ब्लड के सेल्स का, ब्लड कल्चर किए जाते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कर सकते हैं। लास्ट इज मैनेजमेंट। तो जिस भी तरीके का चेस्ट इंजरी है उसमें पेन ज़रूर होगा, तो पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। अगर कहीं पर भी स्वेलिंग या एडिमा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे सकते हैं, एनासेड्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उस कंडीशन में एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं। पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स या काम रखने के लिए सेडेटिव्स दिया जाता है। अगर फ्लूइड बिल्डअप है, चाहे वो पेरिकार्डियल रीजन में हो या थोरैसिक रीजन में हो, फ्लूइड, ब्लड या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसके लिए हम थोरासेंटेसिस या पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ चेस्ट में ट्यूब को इंसर्ट करके रखा जाता है ताकि जो भी पस या फिर फ्लूइड है वो ड्रेन होता रहे। इसी के साथ साथ अगर फ्रैक्चर हुआ है या रिब्स में किसी भी तरीके की इंजरी हुई है तो उसको फ्रैक्चर मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, सो इन सब के अलावा द मेन थिंग इज़ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उस हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ चेस्ट इंजरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।